पुष्पा माने तुम फूल समझे क्या? हाँ यार, गाइस मैंने जस्ट अभी अभी साल की सबसे बड़ी अपकमिंग मूवी पुष्पा का ट्रेलर देख के खत्म किया और मेरे बालों की हालत देख रहे हो। मैं जैसे उठ करके कमोड पे डिलीवरी दे रहा था और उसी टाइम मैंने मोबाइल चेक किया तो मालूम चला पुष्पा का ट्रेलर आ चुका है। 9 घंटे हो चुके हैं और लोगों ने अपने अपने वीडियो डाल दिए, मतलब सबके सब व्यूज कमा रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला है मेरे को, समझ रहे हो? अपने बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला है और वैसे भी अल्लू अर्जुन ने भी अपने बाल कुछ खास बनाए नहीं है पुष्पा के अंदर, लेकिन फिर भी भाई कमाल लग रहा है, धमाल लग रहा है, बबाल लग रहा है। तो इस वीडियो के आने के बाद मैं भी कमाल धमाल बबाल लगूंगा और वो होगा तब जब आप सब्सक्राइब करोगे, इसलिए सब्सक्राइब करो और घंटे को दबा डालो। मां कसम पुष्पा का ट्रेलर जो बनाया है, मतलब कि चूतिया नहीं बनाया, पुष्पा का ट्रेलर बनाया है और ट्रेलर में इतना कुछ देखने को मिल रहा है, सोचो मूवी में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। स्टोरी तुमको समझ में नहीं आने वाली है ट्रेलर को देखने के बाद में कि पुष्पा की स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है, प्रेडिक्शन तो लगा ही नहीं सकते हो क्योंकि सुकुमार ने इतना ज्यादा सस्पेंस, इतना ज्यादा थ्रिलर, इतने ज्यादा एक्शन के स्लो मोशन डाले है ना, होश उड़ जाते हैं देखने के बाद में, गूज़बम्प्स आ जाते हैं भाई। ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहां पे अल्लू अर्जुन को बुरी तरीके से टॉर्चर किए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे बता तेरा बॉस कौन है, बता कार्गो ट्रक किधर है, बता तेरा बॉस कौन है। He's like, मैं बताया तो मेरा बॉस मेरे को मार डालेगा। कौन है तेरा बॉस, कौन है तेरा बॉस? तक वाली भाई के एक्सप्रेशन देख करके अच्छे अच्छे की फट जाती है भाई, हिल जाती है। ऐसे गूस बम मेरे को बाहुबली पूरी की पूरी मूवी देखने के टाइम पे आए थे, लेकिन पुष्पा के ट्रेलर के अंदर तो यार उससे भी ज्यादा कमाल देखने को मिलने वाला है। और पुष्पा का ट्रेलर अगर आपने भी ऑलरेडी देख लिया है तो आपको अनिल कपूर की बहुत ज्यादा याद आने वाली है, क्योंकि इसमें अल्लू अर्जुन का जो स्टाइल है ये वाला, ऐसा लग रहा है कि अनिल कपूर की आत्मा अंदर आ गई है, एक कंधा बिल्कुल ऊपर है, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद में रश्मिका मंदाना, भाई रश्मिका मंदाना कितनी बवाल लगती है भाई, ऑल इंडिया का क्रश रश्मिका मंदाना, फहद फसील टकलू फहद फसील भाई, एक लुक दिया है आखिरी के अंदर, लेकिन किलर लुक है किलर। ये वीडियो शूट करने के टाइम तक पुष्पा के ट्रेलर को आए हुए 9 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हिंदी ट्रेलर नहीं आया और घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों को हिंदी ट्रेलर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तेलुगु तमिल ट्रेलर देखने के बाद भी हमारा पूरा हो जाता है। ओवरऑल पुष्पा का जो ट्रेलर है वो माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था हमने पुष्पा के ट्रेलर के साथ उससे ज्यादा हमको सुकुमार की अपकमिंग मूवी देख के जाने वाली है। और इस मूवी की रिलीज तो आप लोगों को पता ही है 17 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ आना बाकी है, उसके बारे में एक अलग से डिटेल वाला वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप भी पहले जाकर के पुष्पा का ट्रेलर देख लो और मुझे पता है आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं ही लेट हो गया हूं बे, मैं ही लेट हो गया हूं। और ट्रेलर देखने के बाद में आपको कितना ज्यादा मजा आया वो मुझे कमेंट करके बताना, इस वीडियो में कितना मजा आया वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पे आए हो इस पॉइंट तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब करके जाओ, घंटे को दबा के जाओ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।